लाइफ में मेंटर मेंटी का रिलेशन इंटरचेंजेबल चलता रहता है। कभी मैं मेंटर होता हूँ, दूसरा मेंटी होता है, कभी वो मेंटर होता है, मैं मेंटी बन जाता हूँ। ये जर्नी कंटिन्यूस चलती रहती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ देते रहें, इस प्रक्रिया से जुड़े रहें, इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? काफ़ी रिसर्चर अलग अलग जवाब आते हैं। इस मेंटर मेंटी के रिश्ते के लिए सबसे अहम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके अकॉर्डिंग वो क्या चीज़ है। फिर लोगों ने समझने की कोशिश की, किताबें पढ़ी, तो सब जगह एक ही बात निकल के आई, ट्रस्ट वो चीज़ है। ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। वो ट्रस्ट कैसे आता है? कपड़े पे चेंज कर लेने, आई कॉन्टेक्ट से, पोलाइट बोलने से, अलग अलग तरीके अलग अलग लोग बताते हैं। मैंने जो समझ बनाई, मुझे जो लगा, वो ट्रस्ट आता है बिलीव करने से। पहले हमें खुद पे बिलीव करना होगा कि मैं बदलाव ला सकता हूँ। मैं जो सलाह दे रहा हूँ उस काम की है, वो बिलीव करना होगा खुद की एबिलिटी में। मेरी अपनी एबिलिटी को पहचानना होगा और मुझे लगता है कि मेरी एबिलिटी कम है, उन्हें इंप्रूव करने के लिए मुझे रेडी होना होगा। इसके साथ जो और ज़्यादा जरूरी है, मुझे बिलीव करना होगा दूसरे के एबिलिटी में कि वो भी इम्प्रूव हो सकता है, उसमें भी चेंज हो आ सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है ट्रस्ट पैदा करने की, जो हमारे आई कॉन्टैक्ट, स्पीकिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, वो सब तो काम करते करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटी। साथ ही साथ जिसके काम कर रहे हैं उनमें बिलीव करना कि वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं। और ये बिलीव कैसे आएगा? शुरुआत कहाँ से होगी? इंटेंशन से। एबिलिटी पे तो हमें काम करना ही होता है, तो अगर हम अपनी एबिलिटी को हम पहचान कर आगे बढ़ाएं, पर वो सबसे पहला स्टेप क्या होगा उन एबिलिटी को बढ़ाने का? इंटेंशन। बात कर रहा हूँ कि ट्रस्ट बन जाए, या सब रिसर्चर ये कहते हैं, तो काम करना आसान हो जाता है। पर मैं बात कर रहा हूँ बनता कैसे है। तो हमें इस नतीजे पर पहुंचा कि बिलीव डेवलप करना होगा खुद में और दूसरे में, कि मैं चेंज हो सकता हूँ, दूसरा चेंज हो सकता है। पर वो कहने से तो नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना होगा। तो वो क्या किया जाए उसका फॉर्मूला आपका शेयर करना हूँ। तो फोर स्टेप में पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ, जैसे मैथमेटिक्स में मैं नंबर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ, अलग रणनीतियों की बात करता हूँ, पर मैंने खुद ट्रेडिशनल तरीके से मैथ सीखा है, मुझे उसे सिखाया गया है। मेरी प्रोग्रामिंग वैसे ही है, मैं खुद एल्गोरिथम बेस पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। पर अब मैं जिन तरीकों को प्रीच कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे उन्हें खुद करके देखना होगा, खुद को अंदर से वो चेंज लाने होंगे, अपना बिलीव उन पर लेकर आना होगा कि वो कैसे काम करते हैं, पढ़ के नहीं, कर। जो NCF में या बड़ी बड़ी किताबों में हम पढ़ रहे हैं, उनको हमें खुद कर बेहतर समझना होगा कि इस कर समझने से बेहतर कोई और तरीका होता ही नहीं है। तो पहला स्टेप हो गया अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद क्या करना है? जिनको हमें बताना है, जैसे मैं बच्चों के समय बताना चाह रहा हूं कोई तरीका, मुझे उन्हें ऑब्जर्व करना होगा अभी वो कर क्या रहे हैं, अभी वो कहां पर हैं। दूसरा, जिसको बताना चाह उसको ऑब्जर्व करूं कि वो क्या कर रहा है, मुझे बताना क्या है। कुछ भी बताने से काम नहीं चलेगा ना, आपको ये क्लियर होना होगा कि हाँ अभी कहाँ पर हैं, कहाँ तक जाना है, वो कैसे चलेगा पता। जस्ट ऑब्जर्विंग, आप अंडरस्टैंडिंग करिए, ऑब्जर्विंग कीजिए। और नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी, जो आपने ऑब्जर्व किया, उसके बीच में कितना बेहतर कनेक्शन आप बना पाते हैं, सारा खेल यही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है, आप तैयार हो रहे हो, आपको अपनी एबिलिटी में भरोसा है, अब ट्रेनिंग्स के दौरान गुजर रहे हो, सेल्फ स्टडी, जो भी तरीके हैं, अपने आप को आप ग्रो कर रहे हो, और साथ ही साथ दूसरे आपने ऑब्जर्व कर रहे हो सामने वाले को कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, वो बन रही है कि कहाँ इंटरवेंशन की जरूरत है। तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है उस काम के प्रति, खुद ने आपने डेवलप की, दूसरे जो ऑब्जर्व किया, इसमें तार जोड़ने हैं इसके। कब शुरू हो जाना है, कब रुक जाना है, कब चेंज होना है, कब कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। तो ये अगर आप कर गए तो सारा हमारे आउटपुट आने शुरू हो जाएंगे। तो पहला स्टेप बताया अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, दूसरा जिसके साथ काम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है बहुत ज़्यादा, तीसरा कनेक्शन बनाने हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो फील होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंसिंग, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका सेकेंड जो मैंने बताया था ऑब्जर्व, आपके ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होंगे, आपके कनेक्शन अच्छे होंगे, क्योंकि आप अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस आपके बिलीव को मजबूत करेंगे, आप में खुद में बिलीव को, आपके दूसरे के बिलीव जो आप दूसरों में रख रहे थे, और बनेगा, बिल्ड होगा ट्रस्ट। और ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो ये जो सब लोग कह रहे हैं जिन्होंने भी आज तक काम किया है, कि ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाने से हमारा काम एक दूसरे साथ करना आसान हो जाता है। तो आइए हम भी इसे करके देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है, फर्स्ट स्टेप फार्मूला, तो आप मेरे साथ कमेंट में साझा कीजिए, या इसमें आपको कुछ
और ट्विक करने की जरूरत लग रही है, आपके कोई मेरे से अलग राय है तो वो भी मेरे साथ साझा कीजिए, क्योंकि हम मिलकर ही, मेरा ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि मिलकर ही हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।